तो आज हम लोग को एक एक्सीडेंटल जी वैगन देखने को मिली है जिसको हम लोग परचेज कर सकते हैं बहुत ही चीप प्राइस में। मैं सोच रहा हूँ हम लोग इसको परचेज करने के बाद इसको अच्छा खासा रिस्टोर करेंगे, देन उसके बाद हम लोग उससे एक ऑफ रोड रेस भी लगाने वाले हैं, तो बने रहेगा वीडियो के एंड तक। ऑलराइट, तो यहाँ पे हम लोग फोर्ज़ होराइज़न 5 खेल रहे हैं। आज हम लोग को एक अच्छा खासा न्यूज मिला था कि यहाँ पे सामने जो घर दिख रहा होगा आपको छोटा सा, इसमें ना एक एक्सीडेंटल जी वैगन खड़ी हुई है, पार्क खड़ी हुई है, जिसको आज हम लोग परचेस कर सकते हैं अपने लिए बहुत ही सस्ते में। एंड मैं सोच रहा हूँ क्यों ना हम लोग इसको रिस्टोर करें। तो यहाँ पे मैंने ओनर से बात करके उसको पे भी कर दिया, उसने बोला कि पीछे साइड ही खड़ी है, आप लोग को हल्का सा यहाँ पे दिख रहा होगा। ओ भाई, ओ मैन, क्या बुरी हालत में ये जी वैगन यहाँ पे पार्क्ड है। ओके, तो यहाँ पे इसका पूरा मिरर एंड ऑल सब टूटा हुआ है, व्हील्स मेरे को सही लग रहे हैं, होपफुली यहाँ पे इसका इंजन सही हो। इंजन थोड़ा मोड़ा डैमेज उसने बताया था कि इंजन थोड़ा बहुत डैमेज तो है यार, सामने का बॉडी तो पूरा चकनाचूर हो चुका है। तो आज हम लोग का गोल यही है कि हम लोग इसको आज रिस्टोर करने वाले हैं। मैंने पूरा डील अपना पेपर वर्क इससे ओनर से कर लिया है, जिससे हम लोग को ना कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं आगे में। एंड आज हम लोग इस जी वैगन से ना एक ऑफ रोड रेस भी लगाएंगे। ओके, तो यहाँ पे इंजन चालू तो हो गया है, अभी मैंने जिस तरीके से चालू करने का ट्राई किया चालू तो हो गया है, बट ये इंजन ना मेरे को थोड़ा बहुत लग रहा है प्रॉब्लम इसमें। देखो रेव अच्छे से कर रहा है, नो डाउट एकदम रेव प्यारा कर रहा है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। अभी हम लोग रिवर्स लगाते हैं, अभी चलाने में समझ आएगा। अभी हम लोग इसको लेके जाना पड़ेगा अपने कैसल साइड, कैसल में हम लोग इसको पूरा अच्छे से रिपेयर करेंगे, क्योंकि मेरे पास पूरा वहाँ पे सामान रेडी है रिपेयर करने का। देख लो झटका दिया, अभी हल्का सा झटका लग रहा है इसमें, ये देखो बंद हुआ, ये बार बार ना इंजन बंद हो रहा है। मैं बोला ना इसमें प्रॉब्लम तो जरूर से है, लेकिन यार हम लोग को कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, इसको हम लोग अच्छा खासा रिपेयर कर सकते हैं, मेरे को इतना भरोसा है अपने ऊपर। यार यहाँ पे ना अभी इसको एक बार थोड़ा पुश करके देखते हैं हम लोग कितना ज्यादा भागता है ये, लेट्स सी। अभी थर्ड गियर में है यार, यहाँ पे ना हम लोग को इसको इस तरीके से भगाना तो नहीं चाहिए, मेरे को पता है, क्योंकि यार बहुत टाइम से ये ना पार्क खड़ा था, तो इंजन में डैमेज बहुत ज्यादा है। एंड अगर हम लोग यहाँ पे अभी भगाएंगे तो हो सकता है, बट स्टिल यार मेरे को पता है मैं रिपेयर कर लूंगा एंड कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा उसमें। तो चलते हैं हम लोग इसको थोड़ा भगा के देखते हैं। भाई बहुत ज़्यादा डैमेज है एक्चुअली इसमें। ओ भाई क्या हो रहा है, इसका हल्का सा अलाइनमेंट भी मेरे को ऑफ लग रहा है थोड़ा बहुत। लेट्स सी क्या रहता है यार, हम लोग को तो गैराज जाके ही पता चलेगा कैसल में। भाई यार बहुत ज़्यादा डैमेज है यार, सामने से ना कुछ ज़्यादा ही डैमेज है, मेरे को बहुत बेकार लग रहा है ये कंडीशन में इस कार को देख के। एंड ये ना एकदम ओपन रखा हुआ था, इसके ऊपर कुछ भी रूप नहीं था ना, इसको कवर से ढका गया था, तो और ज़्यादा ही डैमेज हो चुका है सन एंड रेन के वजह से। यार इसको हम लोग अच्छे से प्यार तरीके से ना रिपेयर करने वाले हैं आज पक्का से। एंड सोच रहा हूँ ना मैं जो इंजन हम लोग इसको रिपेयर करेंगे ना, ये इंजन देखो हम लोग इसको ना अच्छा खासा ट्यून कर सकते हैं, तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना हम लोग इसको आज ट्यून भी करें, बिकॉज ऑब्वियसली हम लोग को ऑफ रोड रेसिंग करनी है, तो उसके लिए हम लोग को काम आएगा ट्यूनिंग। यार मैं फोर्थ गियर में हूँ, मैं यहाँ पे फुल्ली थ्रॉटल दे के रखा हूँ, लेकिन ये बिल्कुल भी इसका पिकअप तो पूरा डाउन हो गया है। ओ भाई बच गए, बहुत ज़्यादा ऑफ है इसका अलाइनमेंट, अभी अच्छा खासा चल ही नहीं रहा है ये। देख लो हल्का सा हिकअप जैसा आ रहा है इंजन में इसके वजह से। जी वैगन ना यार एक बहुत ही ऑसम एसयूवी है ये यार, मतलब बहुत इंडियंस का फेवरेट एसयूवी है मैं बोल सकता हूँ। यार इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला है मेरे को इसमें चलाने का, इसको अच्छा खासा रिस्टोर करने का, तो यार बहुत ज़्यादा खुश हूँ मैं आज। अगर यहाँ पे आप लोगों को भी थोड़ा बहुत एक्साइटमेंट है इसको रिस्टोरेशन देखने में, तो यार इस वीडियो को ज़रूर से लाइक करिएगा। भाई यार ये ना 120 के ऊपर जाने का थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है, देख रहे हो तुरंत एकदम यार स्लोप में भी यहाँ पे एकदम स्लो चल रहा है अभी। एंड अभी हम लोगों ने 5th गियर लगाया है, बहुत ज़्यादा दिक्कत दे रहा है यार, इसका इंजन ना बहुत ज़्यादा डैमेज है। मेरे को बोला तो था उसने कि अराउंड 50% कुछ डैमेज है, बट मेरे को तो उससे ज़्यादा ही लग रहा है अभी यहाँ पे इसको चला के। यार हम लोग अपने घर की तरफ पहुंच ही गए हैं, अब हम लोग इसका स्टार्ट करते हैं रिस्टोरेशन। यार बहुत ज्यादा मेरे को मजा आने वाला है, मेरे को पता है। ओके, यहाँ पे जो बॉडी में डेंट्स लगे थे उसको मैंने रिपेयर कर लिया, अभी हम लोग को यहाँ पे ऑफ रोड किट लगाना है। ये ऑफ रोड किट ना हम लोग को बहुत ज्यादा काम आने वाला है, क्योंकि हम लोग ऑफ रोडिंग रेस करेंगे एंड जो टायर्स रहेंगे ना इसके बहुत ज्यादा हेल्प करेगा हम लोग की ऑफ रोड रेस में। अभी हम लोग इसको कस्टम अपग्रेड भी करेंगे, इंजन मैं नहीं चेंज करूंगा, बाकी जो भी चीज़ें रहते हैं हम लोग को रेस क्लच लगाना है, जैसे रेस ट्रांसमिशन लगाना है, ये सारे चीज़ मैं चेंज करूंगा सोच रहा हूँ। ओके, यहाँ पे अभी हम लोग को पावर भी इंक्रीज़ करना है, जिस तरीके से मैंने बोला हम लोग को ना इसके इंजन का पावर भी इंक्रीज़ करना पड़ेगा। ऑब्वियसली यार मेरे को कोई टेंशन नहीं है, यहाँ पे बहुत पैसे मेरे पास हैं, हम लोग इंक्रीज़ कर सकते हैं, अगर इंजन ख़राब भी हुआ ना मेरे को कोई भी टेंशन नहीं, हम लोग इंजन दूसरा खरीद सकते हैं, इतना मेरे पास पैसा है फिलहाल। ओके, टर्बो शुड बी ऐड टर्बो। ओके, मैं सोच रहा हूँ ऐड कर ही देते हैं यार, इसमें जितना मैक्सिमम पावर है मैं उतना अटेन करने का ट्राई करूंगा, अभी देखते हैं कितना पावर हम लोगों को है। ओके, तो यहाँ पे ना जो पावर है ना 617 किलोवाट का है, जो कि डिसेंट है,
मतलब अच्छा खासा है, डिसेंट भी नहीं, बहुत ज़्यादा अच्छा खासा है, हम लोगों ना रेसिंग करने में बहुत ज़्यादा काम आएगा। अभी इंस्टॉल करते हैं, अभी ना मैं इसमें एक अच्छा खासा पेंट जॉब हम लोग देते हैं, देन उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना जो आज का मेन मिशन है। हम लोगों ना एक ऑफ रोड रेस जीतना है, जो कि यार देखते हैं हम लोग किस टाइप का हम लोग ऑफ रोड रेस मिलेगा। तो यार फाइनली यहाँ पे मैंने फुल्ली काम कर लिया इस बी वैगन पे, पूरा रिपेयर कर लिया, इंजन भी रिपेयर हो गया एंड बॉडी किट के साथ इसमें मैंसरी पेंट जब हम लोगों ने दिया है भाई वाइट कलर का, साथ में यहाँ पे थोड़ा बहुत कैमोफ्लेज टच है जो कि यार बहुत ज़्यादा अमेजिंग लग रहा है। इसका डोर ओपन करते हैं, देखते हैं इसका डोर इंटीरियर कैसा दिख रहा है, बहुत प्लेन ब्लैक जैसा दिख रहा है। एंड फ्रंट हुड ओपन होगा क्या? नो आई डोंट थिंक फ्रंट हुड ओपन होगा, बट कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे लाइट्स देख रहे हो यार, ऊपर में भी यहाँ पे लाइट दिए गए हैं जो कि यार बहुत ज़्यादा अमेजिंग दिख रहा है। लेट्स गो, अभी ना हम लोग यहाँ पे अपना रेस स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हम लोग कहीं पे अच्छा खासा ऑफ रोड रेस मिल जाए। ओके, तो यहाँ पे मेरे को कुछ दिख रहा है, जैसे ये क्रॉस कंट्री वाला हम लोग भी सिलेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज इसमें ना अलग अलग टाइप का टेरेन्स हम लोग को मिलता है। ये हम लोग का डर्ट वाला रहेगा, साथ में यहाँ पे भी कुछ है ना, वो मेरे को मज़ा नहीं आता। मेरे ख्याल से ना हम लोग ये जो है ना इसको कहते हैं डेजी, ये क्या लिखा है, डेजियर्टो ट्रायल। ओके, यहाँ पे हम लोग चलते हैं सीधे, यहीं पे हम लोग चलते हैं, यहाँ से हम लोग ये वाला रेस स्टार्ट करते हैं। ओके, तो यहाँ से हम लोग भाई रेस स्टार्ट करते हैं, सोलो में एंटर करेंगे एंड जो स्टॉक रेस रहेगा ना हम लोग उसी को करेंगे। यहाँ पे करंट कार A741 रेटिंग है, लेट्स गो। यहाँ पे ना जो ट्यूनिंग करना रहता है ना आफ्टर अपग्रेडिंग, वो मैंने बिल्कुल भी नहीं किया है। टायर प्रेशर, जो भी ब्रेक प्रेशर एडजस्ट करने रहते हैं, तो मैंने बिल्कुल भी नहीं किया यार। लेट्स होप कार अच्छा खासा परफॉर्म करे, बिल्कुल भी हम लोग को दिक्कत ना दे। ओके, यहाँ पे हम लोग रेस स्टार्ट करते हैं गाइस, यहाँ पे लेट्स गो, देखते हैं यार हम लोग जीत पाते हैं कि नहीं। होपफुली मैं ट्राई करूँगा जीतने का, लेट्स सी कार कैसा परफॉर्म करती है। ओ भाई अच्छा खासा एक्सलेशन है इसका, एक्सलेशन तो बहुत अमेजिंग मेरे को लगा है। लेट्स सी कैसा हैंडलिंग रहता है टर्न पे। भाई इन लोग भी भगा रहे हैं, जो बॉट्स लोग हैं ना इन लोग भी बहुत ज़्यादा तेज भगा रहे हैं। सामने एक मेरे को हमर दिख रही है यार, और मेरे जस्ट सामने एक फोर्ड ब्रोंको भी है। ये सारी जो कार्स है ना बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। एंड मैंने गलती की, लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो। फोर्थ पोजिशन हम लोग अभी हैं, कार अच्छा खासा परफॉर्म कर रही है यार, नो डाउट। हैंडलिंग हैंडलिंग सब इसका मेरे को ना परफेक्ट लग रहा है, थोड़ा बहुत लाइक स्लाइड जैसा कर रहा है, उसका कोई दिक्कत नहीं है, उतना हैंडलिंग मैं कर लूँगा। एंड यहाँ पे हल्का फुल्का ना जंप भी आ रहा है रोड पे, भाई देख क्या कट मार रहा है। सामने एक GMC ट्रक चल रही है जो कि एक्चुअली अच्छी है, बट यार हम लोग की गाड़ी ना उससे भी अच्छी है। देख रहे हो हल्के फुल्के ड्रिफ्ट एंड स्लाइड जैसा कर रहा है ये ट्रक, ये GMC को हम लोगों ने पिछाड़ा। भाई क्या कर रहा है, जाने दे, मुझे ठोकूंगा मैं। ओके नो वरीज, यहाँ पे हम लोग फर्स्ट पोजिशन अटेंड कर लिया हम लोग ने। ओके चलो 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 आराम से चलेंगे भाई, रोड पे रहो। वैसे ये गाड़ी रोड पे रहने वाली तो है नहीं यार, हम लोग ऑफ रोडिंग भी कर सकते हैं, लाइक इससे कोई दिक्कत नहीं है। एंड गलती करी मैंने यहाँ पे, रोड पे ध्यान नहीं दिया मैं, एंड यहाँ पे इसके वजह से हम लोग सेकंड पोजीशन। नो वरीज, अभी बहुत टाइम है यार, हम लोग जीत जाएंगे, मेरे को पता है। ये GMC वाले को आराम से बिछाड़ूंगा मैं। ओ भाई जस्ट टैप, हल्का सा टैप किया मैंने, लग जो GMC नहीं है भाई, जगह नहीं है भाई GMC, बहुत छोटी गाड़ी है तेरी। लग जो भाई मज़ा तो आ रहा है मेरे को यहाँ पे ये ट्रक चला के, क्योंकि यार बहुत अच्छा खासा ये ट्यूनिंग हुआ है अपने से, लाइक अपग्रेड कर दिया मैंने ना, बहुत अच्छा खासा है। एंड यार सोचो बहुत सस्ते में मेरे को मिला था, ये बहुत चीप डील था, एंड रिपेयर करने में ज़्यादा कुछ कॉस्ट उसमें लगता नहीं है वैसे। यहाँ पे हम लोग को रेस का एंड में को दिख रहा है, लेट्स होप अभी हम लोग गलती ना करें, बस रोड पे रहे भाई, ये डर्ट पे तो रह सकते हैं हम लोग। ओके रेस एंड होने वाला है, एंड इसी के साथ हम लोग फर्स्ट पोजीशन भाई ले आते हैं बहुत ही इजीली। ये चीज आगे मेरे को ना बहुत ज़्यादा पसंद आ गया है अब, एंड इसके साथ हम लोग फर्स्ट पोजीशन आ गए हैं। तो गाइस इस वीडियो के लिए तो इतना था यार, आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया ना इस वीडियो को लाइक जरूर से करिएगा, कमेंट करके मेरे को बता सकते हैं। अगर आपको कोई डिफरेंट कार में रेसेस देखने हैं, रिबिल्ड देखना है, कुछ भी देखना है, मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। साथ में अगर मेरे चैनल में जाएँ ना, चैनल सब्सक्राइब जरूर से करिएगा, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएगा, ताकि आगे नया कोई भी वीडियो लाऊँ आपकी तरफ जल्दी से नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो पर।